This program is sponsored by Heimer Restaurant, 251 Cranbrook Road, Ilford. The Firm Restaurant, Birmingham. Al Hashim Khyber Restaurant, Ab Hoslo West Mibi. AJ Dwellings, Lords Builder and Development Limited, specialize in all kind of roofing work and pantry, cake for all occasions. अल्लाह खैर करे, क्या अजाब आ गया है? क्या बताऊं, समझ नहीं आ रही, कैसे बताऊं? पहेलियां ना बुझवाओ। और जिया भाई कहाँ हैं? वो मेरे मियाँ बकरा बन गए हैं। बकरा बन गए? बकरा? आप हंस रहे हैं, मुझे आप लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा बहन, हम मान गए वो बकरा बन गए, लेकिन जी एम भाई हैं कहाँ, उन्हें बुलाओ तो सही। अच्छा, जी एम, जी एम। भाभी, ये तो बिल्कुल ठीक है, आप कह रही थी बकरा बन गए। जीएम बोले ना कुछ, जीएम बोले ना कुछ, बोलो ना, बोलो जीएम, प्लीज कुछ बोले ना, बोले ना। तुम्हारे मियाँ की हालत देखकर ना अल्लाह की अजाब से खौफ आ रहा है। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहन, मेरे मियाँ एक पीर साहब को लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जी एम भाई हैं कहाँ? क्या बताऊं बहन, पार सुबह से दीवार के साथ अपनी पीठ सहला रहे थे, अब सुबह से गार्डन में घास को सूख रहे हैं। पीर साहब, वो मेरे हस्बैंड को हक, हक, हम सब जानते हैं बच्चा, हक। नाज़िश, मैंने उनको सब कुछ पहले ही बता दिया है। बड़े पहुंचे हुए पीर लगते हैं। इस बकरे को निकालने के लिए इस बकरे के लेवल तक जाना पड़ेगा। इस बकरे की रूह दो दिन में इस जिस्म से निकलकर बाहर चली आएगी। मैंने बकरी बन के इनकी रूह को बाहर निकाल लिया है, दो दिन में इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अब निकालिए मेरी 200 पाउंड फीस। 200 पाउंड? भाई, बकरी को दो दिन के लिए जिंदा भी तो रखना है। बाँ!
डॉक्टर साहब, आपने इनको चेक कर लिया? मैंने इन्हें चेक कर लिया है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है? इनमें इनको असल में इंसाइक्लोमीडिया हो गया है। इंसाइक्लोमीडिया? वो क्या चीज़ है? इंसाइक्लोमीडिया का मतलब ये पागल हो गए हैं, इन्हें किसी पागल खाने में जमा करा दें और मुझे बार बार फोन करके ना बुलाइए। अल्लाह नाराज कर दिया? नहीं नहीं, ये सुन्नत इब्राहिमी क्या है? क्या है? इंटरनेट पे चेक करता हूं। हाँ, चेक करता हूं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जुलहज का महीना नहायत अजमत और मर्तबे वाला है। इस महीने का चांद नजर आते ही हर मुसलमान के दिल में उस अजीम व शान कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है जिसकी मिसाल रोज़े आखिरत तक नहीं मिल सकेगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा से अपने दीन मतीन की बुनियाद रखवाई। हजरत हाजरा की उम्र उस वक्त 25 साल और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 84 बरस के लगभग थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में औलाद नरीना अता फरमाई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़ईफ़ुल उम्री में औलाद नरीना से नवाजा और बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था तो अल्लाह ताला ने आपको एक कड़ी आजमाइश से दोचार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम से फ़र्जंद की कुर्बानी मांग ली। अल्लाह की रज़ा पर राजी और साबिर व शाकिर बाप बेटे ने हुक्म खुदावंदी के सामने तस्लीम व रजा की वो मिसाल पेश की जिसकी याद रहती दुनिया तक मनाई जाती रहेगी। चश्मे फलक ने शायद रूए ज़मीन पर ऐसा नज़ारा कभी ना देखा हो के वालिद अपनी ज़ईफ़ुल उम्री में अपने इकलौते फ़र्जंद को राह खुदा में कुर्बान करने जा रहा हो और बेटा भी ऐसा कि ये सोच कर के वालिद की नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तो कहीं उनके हाथ न कपकपा जाएं, पीठ के बल ज़मीन पर लेट गया। इस अजीम मंजर को हमेशा के लिए कुरान हकीम में महफूज कर लिया गया। इस बेमिसाल वाक़े को गुजरे सदियाँ बीत गईं मगर आज भी इस अजीम व शान वाक़े की याद दुनिया भर में शान व शौकत से मनाई जाती है। अल्लाह, ये मैंने क्या किया? अल्लाह जी मुझे माफ कर, अल्लाह जी मुझे माफ कर, अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे, मुझसे ये क्या हो गया? अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे, अल्लाह जी मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, 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 या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह खैर है? अल्लाह जी, हो ये ख्वाब था? बेगम मुझे जी एम ना बोलो, मुझे गुलाम मोहम्मद बोलो, गुलाम मोहम्मद। बेगम टाइम क्या हुआ है? फजर का टाइम है। हटो हटो, मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने भी अच्छा इंसान बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है। बेगम बेगम मैंने नमाज पढ़नी है। आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या?
गुलाब मोहम्मद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक हाय मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक गुलाम मोहम्मद ये कैसे आओ चलो खाने पे चलते हैं गुलाम मोहम्मद ये बकरे की तस्वीर इसी की वजह से तो ये तब्दीली आई है आपकी ये हालत कैसी हुई है
Yeah.